बहादुर जो है याद करते हैं। वेन आइदर फिल्म इन द इंस्टीट्यूट वाज सेट अप इन चेन्नई अराउंड द सेम टाइम, उसी टाइम जब ये रजनीकांत जो हैं जो कि बस ड्राइवर का काम करते थे, तो एक्टिंग में जब इनकी दिलचस्पी जैसे बढ़ती जा रही थी, उसी टाइम चेन्नई में एक फिल्म सिटी बनता है, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री खुलता है जिस इंडस्ट्री का नाम है आइदर फिल्म इंस्टीट्यूट। बहादुर सजेस्टेड टू शिवाजी दैट ही शुड डू अ कोर्स इन एक्टिंग इन एट द इंस्टीट्यूट, जो क्यों ना इस इंस्टीट्यूट में बहादुर को उनके दोस्त जो थे शिवाजी को बोलते हैं जो इस इंस्टीट्यूट में तुम एक काम करो, एक्टिंग का काम करो, मतलब कुछ ट्रेनिंग ले लो। तो यंग मैन का मतलब उसमें वो काफ़ी जवान थे शिवाजी। इन्होंने भी क्या किया, कंडक्टर का जॉब छोड़ दिया, गिव अप हिज कंडक्टर जॉब एंड डू अ कोर्स सिंस ही वॉज वरीड अबाउट हिज फाइनेंस हु विल एवर गिव अप। तो मतलब इनकी इन्होंने तो कंडक्टरी का काम छोड़ दिया, बट इनको डर था कि अब फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब कहीं ना हो जाए, क्योंकि ये कंडक्टरी का काम छोड़कर ये वो आइडर फिल्म इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। हु विल एवर गिव अप अ गवर्नमेंट जॉब, अभी इस टाइम पे मुझे कौन जॉब देगा, गवर्नमेंट जॉब भी मेरी नहीं होगी। ही आस्क एंड बहादुर रिस्पॉन्ड गिव अप द जॉब आई विल टुक आफ्टर ऑल योर नीड्स। तो इनके दोस्त जो बहादुर जो है ये बोलते हैं कि तुम जॉब छोड़ दो, तुम्हारा जो भी खर्चा होगा वो मैं दूंगा। बहादुर केप्ट हिज वर्ड्स, बहादुर जो ये बात बोलते हैं वह बात पर टिके रहते हैं। फॉर टू ईयर्स 1974 से 1976 तक उन्होंने अपने सैलरी का अच्छा खासा भाग जो है शिवाजी पे खर्च किया एंड इंश्योर दैट ही कंप्लीटेड द कोर्स एट द फिल्म इंस्टीट्यूट, ताकि फिल्म इंस्टीट्यूट में कोर्स करने के दौरान कोई कठिनाई का सामना इनको ना करना पड़े। व्हेन द कोर्स गॉट ओवर, जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है, द फेमस डायरेक्टर के बाला चंद्र साइन ऑफ द यंग एक्टर फॉर हिज न्यू तमिल फिल्म एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। और कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो है के बाला चंद्र जो है एक डायरेक्टर है, फिल्म बहुत फेमस फिल्म डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपने फर्स्ट तमिल मूवी के लिए इस यंग एक्टर मतलब रजनीकांत को इन्होंने ज्वाइन किया, और उसके बाद से जो हम लोगों ने देखा वो एक बहुत बड़ा इतिहास बन के रह गया। रेस्ट इज हिस्ट्री का मतलब हुआ जो बाकी हम लोग देख ही रहे हैं कि आज वो कितने बड़े सुपरस्टार हैं। माई ड्रीम हैज़ कम ट्रू, अब जो है यहाँ पर शिवाजी बोलते हैं 2017 में इन्होंने यह बोला था, आपको द हिंदू जो एक न्यूज़ पत्रिका है वहाँ पर इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने बताया था अपने दोस्त के बारे में भी, इन्होंने ही बताया था के बहादुर के बारे में। माई ड्रीम हैज़ कम ट्रू, मेरा सपना पूरा हुआ, ही हैज़ बिकम अ सुपर स्टार। अब इसके दोस्त बोल रहे हैं कि मेरा सपना पूरा हो गया, रजनीकांत जो है एक बहुत बड़ा सुपर स्टार बन गया। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टूडे एज शिवाजी इज बींग रिलीज, और मैं आज जो है मैं इस दुनिया का सबसे खुशमंद इंसान हूँ कि शिवाजी मूवी जो है रिलीज होने वाला है। हंसते हुए बहादुर ये बात बोलते हैं, क्योंकि इनकी दोस्त की इतनी बड़ी मूवी रिलीज होने वाली है तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होगा। अबाउट हिज रिलेशनशिप विद रजनीकांत, रजनीकांत के साथ उनके व्यवहार के बारे में वो बताते हैं, ही हैज़ नॉट चेंज एट ऑल, वो अभी भी नहीं बदला है। वेन एवर ही कम्स टू बेंगलोर, वो जब भी बेंगलोर आता है, ही डिस्क्यूज हिमसेल्स एंड वी गो टू मूवी, वो हमेशा हमारे साथ डिस्कस करता है और हम लोग मूवी देखने साथ में जाते हैं। और ऑल दोज रेस्टोरेंट्स दैट वी फ्रिक्वेंट ड्यूरिंग आवर ड्राइवर कंडक्टर डेज, और हर उस जगह पर वो मेरे साथ जाता है जहाँ हम लोग ड्राइवर कंडक्टर हुआ करते थे और काम करते थे, तो हर उस जगह पर आज भी जो जाते हैं, मतलब आज भी वो नहीं भूले हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, यह जो स्टोरी है ना, एक फ्रेंड के प्रति क्या बलिदान होता है, एक बताइए। रजनीकांत जो एक कंडक्टर हुआ करते थे और इनके दोस्त जो बहादुर जो हैं एक राजा बहादुर एक ड्राइवर हुआ करते थे, फिर भी इन्होंने अपने दोस्त के लिए इतना बलिदान दिया और अपने दोस्त को एक सुपर स्टार बनाया। तो आपकी स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है, अगले एग्जाम के लिए अच्छे से स्टोरी को पढ़ते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।